चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। मुझे लगता है कि एनडीए के लिए इसमें पॉजिटिविटी की जरूरत है। जैसे रिजल्ट आया, देश में एक अजीब तरह का कौतूहल और एक्साइटमेंट और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जज्बा कि आखिर एसएसबी में सब कमाल करना है। और मैं कहना चाहता हूँ 147 में जो रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं उसका डबल हम 148 में जाने की कोशिश करेंगे और ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव और मोटिवेशन कुछ आपके सामने आ जैसा होगा जो आपको इंस्पायर करेगा कि 148 की एसएसबी में आप कमाल करें। 8009 कैंडिडेट ने क्लियर किया इस बार, आई थिंक अपने आप में एक बड़ा नंबर आप अमाउंट है। अब फाइनली आप अपने सेकंड स्टेज के लिए बढ़ रहे हैं, दैट मीन आपको एसएसबी के लिए जाना है। जल्द से जल्द आपके एसएसबी डेट लिंक्स आपके सामने होंगी, बट मैं कहता हूं कि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो डेट सिलेक्शन लिंक का वेट क्या करना है, आके लगना है, जज्बे के साथ मेहनत करना है, खुद को बेहतर करना है। तो सबसे पहले आदित्य बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, आई थिंक यूपीएससी रोल नंबर मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा। कुछ चीजें जिंदगी में खास होती है आदित्य, चलो तुम बताओ कि मैं उसको रिवाइज करूं। चलो मैं बताओ यूपीएससी रोल नंबर अपना 23-10-57-23-10-57। ये बड़ी चीज होती है यार, ये याद रखना जो है इट्स गोइंग टू बी मेमोरेबल मोमेंट एंड ऑब्वियसली रैंक 203। कैसा आप महसूस कर रहे हैं आदित्य? सर बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी गुड, एवरीबॉडी इज फीलिंग गुड नाउ। हां ठीक है, मॉम खुश हैं इस समय, बिकॉज़ आई थिंक इट्स अ फैमिली ड्रीम आदित्य की, सब चाहते रहे होंगे कि आप उस लेगेसी को मेंटेन करें एंड फाइनली यू डिड दैट। अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है और ऑब्वियसली वी आर होपिंग कंप्लीटली कि 20 जनवरी तक आप सब जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे। एक नई लाइफ, नई जर्नी, नया एक्सपीरियंस जिंदगी में, कैसा आप फील करते हैं, इसको कुछ महसूस कर पाते हैं आप इस चीज को? अभी तो बहुत एक्साइटमेंट है सर एकेडमी का, क्योंकि एक बहुत बाहर से बहुत एक बना रहता है चार्म जो रहता है कि एकेडमी कैसी होगी, सूडान ब्लॉक, वहां की वर्दियां, तो बहुत चार्म है और बहुत अट्रैक्शन है, जाना है बस जल्दी से। अच्छा, ये मौका बहुत लोगों को नहीं मिलता है, ये मौका कुछ लोगों को मिलता है और ऑब्वियसली जो डिजर्विंग है उन्हीं को मिलता है। लास्ट टाइम, क्योंकि अभी इसलिए भी एक्साइटमेंट है क्योंकि हमने इंटरव्यूज ऑलरेडी किए हैं और इन्होंने आप सबके इंटरव्यूज भी देश के हर कैंडिडेट ने, बड़ा इंस्पायरिंग था, मुझे याद है मैं हर्ष के साथ इंडिविजुअल इंटरव्यू में था। अमूमन ज़्यादातर इंटरव्यू इंडिविजुअली हुए थे, चाहे वो प्रिंस का हो, प्रत्यूष का हो या सुमित का भी हम लोग करने जा रहे हैं इंटरव्यू, जितने भी लाइन से रहे, या क्या नाम था उस लड़के का, लास्ट वाले का जो है दिवांश का भी इंटरव्यू जो है मैंने किया था इंडिविजुअल, बट आप दोनों लोगों का इंटरव्यू साथ में किया था और बड़ा एक्साइटिंग इंटरव्यू था। अच्छा, किसके व्यू ज़्यादा गए इंटरव्यू वाले? मेरे गए, इंडिविजुअल वाला ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक आपको इन लोगों ने बहुत सुना हुआ है, बट आज ऑब्वियसली ये ऐसा मौका है कि आई थिंक सबकी ब्लेसेस की आपको ज़रूरत है और सबका ब्लेस आपके साथ रहा है, तभी आदित्य ये चीज़ें हो पाई हैं। एंड लास्ट टाइम ऑब्वियसली सब ने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं क्वालिफाई कर पाए, जो कि ऑब्वियसली 10 अप्रैल को अगला एग्जाम अपना देने जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपको क्या लगता है कि इस समय बच्चों को क्या करना चाहिए और कैसे इस 148 में 100% अपने आप को सिक्योर कर जाएंगे? सर सबसे पहले तो पेशेंस लेवल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस लेवल होना चाहिए और प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि वहाँ पर किसी भी तरह का टास्क आ जाए तो उससे पीछे नहीं हटना पड़े, पीछे नहीं, कॉन्फिडेंस भरा होना चाहिए बिल्कुल से पूरी तरीके से कि वहाँ पर जाना है, बस फोड़ देना है पूरी तरीके से, और हर टास्क में वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और ऑब्वियसली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। जब मैं प्रिंस का इंटरव्यू ले रहा था, वाज शेयरिंग द एक्सपीरियंस कि सर जब मैं साइकोलॉजी टेस्ट कर रहा था एमकेसी कैंपस में क्लासरूम में, तो साइकोलॉजी टेस्ट में सर वैट में कर ही नहीं पाता था 40 या 42 के अबव, और टेट वगैरह से भी मैं सेटिस्फाई नहीं था, सर एसआरटी में भी नहीं कर पा रहा था 100%, बट सर जाने के बाद इतना प्रैक्टिस किया सर कि बोर्ड में मेरा 100% हुआ सब कुछ, दैट मीन मैं 60 out of 60 किया सर, उधर कोई कंफ्यूजन वाला विषय नहीं रहा। तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, तो आपके हिसाब से प्रैक्टिस कितना मायने रखती है इस समय? सर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर टास्क अच्छा होना नहीं है, सिलेक्शन रेट वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और किस वे में प्रैक्टिस करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर गाइडेड, सही गाइडेड वे में रहेगा तो फिर आपका अच्छा है, वो प्रोडक्टिव रहेगा, बिल्कुल, अदरवाइज तो पूरा वेन है, पूरा वेस्टफुल है वो। एग्जैक्टली, तो वाकई में कितना योगदान मैं मानूंगा कि एमकेसी का और कैप्टन सर का सबका रहा आपके साथ, जिससे आपको ये चीजें हेल्प मिले। सर जीडीओ के लिए तो मैं बोलूंगा सर 100%, क्योंकि मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था मैं कुछ नहीं कर रहा था, वहां पर खड़ा था साथियों के, और जो भी कोई मुझे बोल रहा था फट्टा दे रहा था, कोई बोल रहा था खड़े हो जा रहा था, तो वहां से सर यहां तक मैं पहुंचा कि मैं अपने ग्रुप को लीड कर रहा था, तो उसमें सर कैप्टन सर का पूरा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने जैसा प्रैक्टिस करवाया, और मतलब सर पर्सनली जो गाइड करते हैं सर वो वहां पर ऐसा इंपॉर्टेंट था कि एक एक टास्क से मतलब कितने आइडियाज आपके वो एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं सर, किस वे में एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, जैसा एसएसबी में आता है उसके हिसाब से, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उस वे में बहुत हेल्प हुई, और फिर साथ अच्छा साथ ही साथ क्योंकि 5,67,000 मतलब 5,67,000 लड़के फेल भी हुए हैं एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में,
ऑब्वियसली यू हैव अ फोर टाइम एक्सपीरियंस, आई थिंक ये लंबा एक्सपीरियंस है अपने आप में. तो यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि 10 अप्रैल फिर अगला एग्जाम लगा हुआ है, और ऑब्वियसली आपने एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन की है, एक सही प्लान, क्योंकि यूपीएससी का एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है आदित्य, जो मैं मानता हूँ कि अगर आप उस लेवल तक असल में तैयार हो जाते हैं, बच्चों को क्या लगता है कि लोग उसमें भी भ्रम में तैयारी करते हैं कि हो जाएगा, चल जाएगा, यूपीएससी में ऐसा नहीं चलता है, यू नीड टू बी रियल. तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही है प्रिपरेशन की ओवरऑल एनडीए की हमेशा? सर मेन फोकस तो मैथ्स पे था, क्योंकि अगर मैथ्स ही नहीं क्लियर होगा तो बाकी पेपर चेकिंग नहीं होगी. तो मेन फोकस मैथ्स पे. सर मैं भी वो सब्जेक्ट ज्यादा प्रिपेयर करता जिसमें मतलब मेरी कमांड हो, उसमें मैं और ज्यादा करने की कोशिश करता था, और जिसमें उतनी ज्यादा कमांड नहीं है उसको छूता ही नहीं था, क्योंकि मतलब मेरा टारगेट था कि 50% 60% मुझे अपना लाना जो एक्चुअल सही है, वो बेस्ट है स्कोर अपने आप में. तो उससे अपना क्या होता था, प्रेशर भी नहीं आता था सेल्फ, नहीं तो फिर आप सेल्फ प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, अपने परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है. तो ये भी बड़ा जरूरी है, मैं बच्चों को अक्सर समझाता हूँ कि लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा काम करो जो टॉपिक्स जो है आपको कॉन्फिडेंट है आप लेके, और उससे आप अपना स्कोर पहुंचा सकते हैं. अल्टीमेट टारगेट 50-60% का ही है, अगर उतना मेंटेन हो रहा है बेस्ट हो रहा है. तो लिटिल टेक्निकल भी होना जरूरी है, आप स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, भिड़े पड़े हैं. और बहुत जरूरी है कि आपके जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसके ओरिएंटेड क्वेश्चन को अप्रोच करना. अमूमन हम क्या होता है, इधर उधर आईटी लेवल पे चले गए या लो लेवल पे चले गए, नहीं जरूरत है. उस लेवल पे आप जितना जाएंगे एग्जाम में आपके बेहतर उतना करने के चांसेस होंगे. तो बिल्कुल बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन दिल से हम सब, बिल्कुल जितने व्यूअर्स हैं वो भी आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करते हैं, बिकॉज यू केम अप लाइक अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. एंड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरव्यू वो यादगार था, मुझे भी याद है कि वी डिस्कस एवरी मोमेंट, इवन इंटरव्यू के आपके वाक्य डिस्कस हुए. तो कुछ ऐसी बातें हुई जो कहते हैं ना कभी कभी यादगार हो जाती है जिंदगी में, ये मोमेंट हैपन हुआ. थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन फॉर माई साइड. थैंक यू वेरी मच हर्ष. हर्ष के साथ तो मैंने इकलौती बात की, ढेर सारी बातें की हैं. कैसा महसूस कर रहे हैं हर्ष, पहले ये बताएं आप. सर पहले तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सब कुछ हो जाए, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट एक इंटरनली बना रहता है कि हो जाए उसमें क्या रैंक आएगी क्या. सो आफ्टर गेटिंग 266 ऑल इंडिया रैंक, इट वाज लाइक कि 800,000 में मतलब फाइनली इतनी बड़ी रैंक लाना, सो इट्स वेरी बहुत अच्छा फील होता है. आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत इसके पीछे रही. आज बहुत लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट मैं सबको याद कर रहा हूँ, प्रिंस को भी याद कर रहा हूँ, बातचीत हुई थी, मैं प्रत्युष को भी याद कर रहा हूँ, मैं जो है देवांश को भी याद कर रहा हूँ, एंड एवरीबडी जितने भी लोग हैं, मैं काउंट नहीं कर पाता, नाम भूल जाता हूँ मैं सर. सुमित गुप्ता को भी मैं याद कर रहा हूँ, एंड हर्ष और आदित्य हम मेरे सामने ही हैं, और हर्ष शर्मा भी मेरे साथ ही हैं. तो आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग एवरीवन. और आप सबने बच्चा वो चीज़ करके दिखाई है, और सबने जो रैंक लाइक प्रिंस, तो शायद आपके ही बैच में रहे हैं. एग्जैक्टली आपके ही बैच में प्रिंस ही थे क्या? अच्छा यहाँ के बैच में थे. अच्छा वहाँ इसके साथ एसएसबी बोर्ड में था वो, मेरे साथ. ये कॉन्फिडेंस मिलता है. अच्छा ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो गई हर्ष, जब आप एकेडमी में पहुंचो और जब अपने सारे बंदे दिखते हैं, तो एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है. फिर वो लगता है यार एक परिवार से उठ के हम दूसरे परिवार में आ गए, बिकॉज वो मेमोरी होती है, वो कनेक्ट होता है, एक भाईचारा अपने आप मेंटेन हो जाता है. हाँ लेकिन फाइट भी रहेगी, किसको क्या स्क्वाड अलॉट होती है उसके ऊपर डिसाइड होगा, क्योंकि विनिंग एटीट्यूड तो चलेगा ही हम कहीं भी रहें सर. ओवरऑल चलिए मम्मी पापा खुश हैं इस समय? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं. आई थिंक हर्ष जहाँ से आते हैं वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस. शायद वहाँ के लोग ये जान भी ना पा रहे हो हर्ष अभी आप कहाँ पहुँचे हैं. मैं टेक्निकल को नहीं पता है ये होता क्या, ये होता क्या एग्जैक्टली. मेरे गांव में तो एटलीस्ट मतलब बहुत लोग पूछे हैं कि कौन सी पोस्ट मिलेगी, और अगल बगल के गांव के लोग पूछे हैं क्या पोस्ट होगी, तो कुछ तो समझ ऐसे भाई बन गया फौज के लिए, उनको यही माइंडसेट होता है गांव स्तर पे स्पेशली. मैं सबको समझाता हूँ कि नो इट्स एन कमीशन रैंक, तो बहुत खुश होते हैं सर, और कहते हैं कि पूरे एरिया का नाम हो गया. एग्जैक्टली ये पूरे एरिया का नाम है, और हर्ष कितनी बड़ी इंस्पिरेशन आपके माध्यम से उस समाज में जाएगी, मेरे को ये अच्छा लगता है. आपका स्कूल का बच्चा कितना इंस्पायर होगा आपसे, मैं इन सब चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ. और ऐसे ही पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चीज़ें क्या होती है, स्टार्ट होती हैं कहीं से, तो कोई इनिशिएटिव हो तब जाके वो चीज़ अच्छी हो पाती है. आइए एसएसबी पॉइंट पे आप पे भी आते हैं, क्योंकि अभी बच्चे बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं इस समय. तो कुछ ऐसी बात जो आपने विशेष तौर पे की हो एनडीए के दौरान, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, 148 में इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और बहुत फोकस्ड हम लोग लगे हैं. नाउ ऑल कैंडिडेट स्टार्टेड कमिंग, बिकॉज 1002 लड़कियों ने भी क्वालिफाई किया है. सो दिस टाइम गर्ल्स आर ऑल्सो कमिंग, गर्ल्स भी इस बार आ रही हैं, बॉयज तो आ ही रहे. तो हमारे एक कंधों पर भी अब जिम्मेदारी है कि हमें जो अपना बैक रिकॉर्ड है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है. और वो तभी संभव हो पाएगा जब बच्चे भी उस सिंसियरिटी को महसूस कर पाएंगे. आप सब में जो खास बात थी, मैं बच्चों इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हंसते मुस्कुराते जरूर हैं, बट ये बड़े टैलेंटेड हैं एक्चुअली, वेरी स्मार्ट, वेरी डायनेमिक एंड वेरी जेन्युइन. और सबसे बड़ी बात, कमाल की अपब्रिंगिंग है आपकी, एंड सैल्यूट है उन पेरेंट्स को, मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज है जो ना सबसे हटके है बच्चा, क्योंकि ये हम वाकई में 14 दिन में नहीं इंजेक्ट कर सकते हैं. ये आपका जो पालन पोषण हुआ है वो कमाल का हुआ है, और क्या संस्कार
क्या मैच्योरिटी और क्या बैलेंस आपको सिखाए गए हैं। कुछ ऐसे हुनर हैं जिनको आप एक एक डेवलप नहीं कर सकते। टेस्ट पार्टिसिपेशन ठीक है, वो एक अलग प्रॉस्पेक्ट है, बट आपका अल्टीमेट व्यक्तित्व ही टेस्ट किया जाता है, तो वो तो लंबा समय लगता है उसको डेवलप करने के लिए। तो कुछ यूएसपीज अपनी बताएं हर्षराज सर। फॉर एसएसबी आई विल पर्सनली से कि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स रिगार्डिंग एसएसबी की ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई विल से कि हमेशा फॉलो योरसेल्फ, व्हाट यू आर जेन्युइनली यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के आइडियाज को कोच करने लगते हैं, दे आर ट्राइंग टू हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, तो एक्सेप्ट दैट। और एसएसएस को यही चाहिए कि एक जेन्युइन बंदा जो है उनको वही चाहिए, उनको ऐसा एक कोई सुपर मैन नहीं चाहिए, उनको एक नॉर्मल कैंडिडेट जिसको वो मोल्ड करके एक ऑफिसर बना सके। तो दिस आई पर्सनली से कि हमें ऐसा जो हमारी रियल पर्सनालिटी उसी को शो ऑफ करना चाहिए, कोई मुखौटा या जो मास्क होता है उसको नहीं पहनना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है और हर्ष बहुत सही बात आपने कही, शायद कम शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि टेक्निकली क्या होता है कि हम दूसरों को कॉपी करने लगते हैं। एग्जैक्टली अगर आज आप आदित्य को देख रहे हैं, हर्ष को देख रहे हैं, हर्ष पांडे को देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा आप इनको कॉपी करेंगे, इनके इंटरव्यूज देख इनको कॉपी करने लगेंगे। एग्जैक्टली हर चीज का एक्सपीरियंस यही कि आप खुद को पहचाने और खुद आप जो है वही रिप्रेजेंट करें, कहां से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। अगर वही हम बना के रखें तो मुझे लगता है कि सब कुछ बदल सकता है। और यही तो है टेस्ट एक्चुअल में एसएसबी के अंदर। लोग इसको बहुत, जैसे ना कहा, मिथ क्रिएट की जाती है कि ये ऐसा कर देना होता, 12 स्टोरी जब लिखनी होती तो ऐसा कुछ कर देना होता, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो जिंदगी के रियल एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो वाकई में आप दिल से करना चाहते हैं वो करना है। तो बड़ा ही सच्चाई का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? सच्चाई लाना, लेकिन बड़ा टफ है। एनडीए, क्योंकि एनडीए की प्रिपरेशन को भी लेके एक माइंडसेट रहा है बच्चों, रिटर्न को लेकर के, जैसे इस बार भी रिजल्ट्स जो आए हैं उसके बाद फिर 10 अप्रैल को इनके टारगेट्स हैं, तो रिटर्न को लेके क्या कहना चाहेंगे दो चार लाइन में हर्ष? सर रिटर्न के लिए पर्सनली तो आई विल से कि पहले तो सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, और ट्रेंड एनालिसिस एक वर्ड होता है कि हम पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखें कि कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है। मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स को ट्रेंड एनालिसिस नहीं पता था, वो उस टाइम उस टॉपिक पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जिससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पहले तो ये देखना चाहिए प्रीवियस ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, चाहे मैथ्स हो चाहे गैट का हो। उसके बाद से फिर हमें मॉक टेस्ट को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ को बताता है कि वेयर वी स्टैंड एक्चुअली। सो मॉक टेस्ट के अलावा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी ये जिक्र किया आपने हर्ष, तो रिटन के बैचेस होती है, हमारा पूरा फोकस इसी बात को लेके है कि जितना कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है उतना ही जरूरी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एनडीए स्टैंडर्ड और बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी लगाएं। बच्चों का माइंडसेट थोड़ा इसमें गलत हो जाता है, उनको ये लगता है कि पूरा पढ़ लेंगे तब हम प्रीवियस ईयर करेंगे, यही गलत है। आपको हर टॉपिक पे, हर कॉन्सेप्ट पे, हर सब टॉपिक पे बेस्ड जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस के, उनको करने चाहिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट का स्टैंडर्ड क्या हो जाता है बच्चा, क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि कितना मदद मिला आपको गाइडेंस का एमकेसी से और कितना सहयोग रहा टीचर्स का आपके साथ? सर पर्सनली आई विल से कि एसके सर एंड श्याम सर का बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी साइकोलॉजी में। इनिशियली देयर वाज लॉट ऑफ, मतलब मैं बहुत अच्छी, मेरी साइकोलॉजी नहीं बन पाती थी, मैं वैथ्स में जो क्वांटिटी तो थी एज आई अर्लियर मेंशन, बट क्वालिटी वो नहीं हो पाती थी। तो मैं पर्सनली एसके सर, वो सच्चाई नहीं आ पाती थी सर, तो मैं पर्सनली एसके सर को मैंने अपने डोजियस दिखाया और श्याम सर को भी दिखाया, तो उन्होंने सारे लूपहोल्स बताया क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस है, तो वो बता सकते हैं कहां पे क्या चीजें हैं, तो नेगेटिविटी को कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि सर ये नेचुरल है। आप जब इनिशियली आप वैट्स की और एसआरटी की प्रैक्टिस करेंगे तो नेगेटिव वर्ड्स जरूर आते हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग ऐसी होती है। एक्जेक्टली सर, तो उसको कैसे अवॉइड करना ये सब सर ने बताया, और ओवर प्रैक्टिस से बचने के लिए सर ने ये बताया, क्योंकि सर ये मैंने प्रैक्टिकली फील किया कि ओवर प्रैक्टिस आपकी जो जेन्युइन पर्सनालिटी होती है वो खत्म कर देती है, आप रट्टे तोते की तरह जो है रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके ब्रेन में वर्ड को लेकर एक पर्टिकुलर सेंटेंस परमानेंट फ्रेम हो जाता है कि जब भी आना यही आना है। बट सर वहां पे जब हम लोग वैट्स लिखते हैं तो सारी ये जो रट्टाफिकेशन होती है सब गायब हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेमेंडस प्रेशर जो होता है सर वो सब वहां पे जेन्युइनिटी को हिलाता है। यही तो टाइम प्रोसेस सब कुछ बदल देता है। थैंक यू सो मच एंड अगेन दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सब आए, और अब तो ये मोटिवेशन कारवा चलता रहेगा। एकेडमी में आप जाएंगे फिर निकलेंगे, फिर बुलाऊंगा छोड़ूंगा नहीं, हाँ जब तक पहुंचा नहीं दूंगा वहां तक तब तक ये कारवा चलता रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपने एक प्रेरणा खड़ी की है देश के सामने, और बड़ी पॉजिटिविटी इस समय है बच्चों के अंदर कि हाँ वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा डर था जैसे जो बेसिकली गाँव देहात से बच्चे आते थे उनको लगता था कि कमीशन के लिए किया ही नहीं जा सकता, दे आर सो मच वरीड अबाउट द लैंग्वेज प्रॉब्लम ओनली। बट ये है कि कुछ एग्जाम्पल आप ऐसे सेट किए हर्ष के, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू सो मच। ओके हर्ष, हंसने से स्टार्ट होगा, यू हैव राइट फॉर दैट, हाँ ये राइट है तुम्हें, ये पूरे देश के बच्चों को एनडीए का राइट है कि उन्हें हंसना चाहिए। क्या करना चाहिए? आई नो हम ह्यूमन हैं, प्रेशर तो आते ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, बट इन सब के बावजूद अगर आप ये दिल से महसूस करते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ,
रहा हूँ, बाकी जो होगा ऊपर वाला तो है और वो आपके साथ हमेशा होता है। कैसा महसूस कर रहे हैं पहले ये बताएं। बहुत ही खुश हूँ, हैप्पी। तुम भी अपना रोल नंबर बताओ मुझे। 0221927। क्या बात है, ये हमेशा याद रहना चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए। 135 ये कुछ और है, कंफ्यूजन हो जाते हैं। नहीं सर वही है। चलो इट्स अ ग्रेट एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन थी इसे नीचे रहेंगे किसे ऊपर रहेंगे कि यही रहेंगे। सर मेरा मानना है कि देयर इज ऑलवेज ऑलवेज अ चांस ऑफ डूइंग समथिंग बेटर, सो नेवर गेट सैटिस्फाइड। तो मेरे को अभी भी है कि और बेहतर रैंक्स लाई जाती। वैसे रैंक का पचड़ा यही कर लो एकेडमी में जाने के बाद। वो होता नहीं कि जैसे हम लोग जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो परसेंटेज की बड़ी जिंदा होती है, दो दिन बाद बात खत्म। अब पता चलता है कि आप रियल जंग में कूद गए हैं। अब वहां पे आपका नॉलेज ही आपका आगे का क्या बनने वाला है, सपोर्ट जो है पिलर बनने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर्ष, मैं दो तीन लाइनों में खास बात करूंगा स्टेट अभी, बिकॉज SSB को किस तरह से आपने देखा और क्या आपको लगा कि क्योंकि एक एक्सपीरियंस तो मिलता है हमेशा लाइफ में, तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी खास बातें थी जिस वजह से आप वहाँ लीड कर पा रहे थे और अच्छा कर पा रहे थे। इतना कहूँगा सर कि मतलब कि जस्ट मतलब SSB इज समथिंग लाइक कि इट इज नॉट अ टेस्ट, जस्ट एंजॉय द एंटायर 5 days वी आर देयर। एंड मतलब वहां पर जाएंगे तो अलग अलग दोस्त वगैरह बनेंगे और मतलब आप बेटर तब परफॉर्म कर पाओगे जब आप इतना ज्यादा रिजल्ट्स को लेकर के फोकस नहीं हो, रिकमेंड होना इसकी स्ट्रेस में नहीं हो, जो भी है बस चिल्ला। ये बात मैं हर कैंडिडेट्स को बताता हूँ। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हर टेस्ट में आपका जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है वो कहीं गायब सा हो जाता है। और बच्चे बहुत होते हैं, जैसे एक इंटरव्यू देके आ रहा तो बहुत चिंतित से जाके फीडबैक ले कैसा हुआ तुम्हारा। अरे भाई हर पर्सनैलिटी अलग है, तुम्हारे PIQ अलग है, उसके PIQ अलग है, उसका पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग है, आपका अलग है, वो उसका क्वेश्चन आपसे क्यों पूछेगा। और रही क्वेश्चन की बात तो मैं दे देता हूँ लिस्ट ही उठा के, लो ये क्वेश्चन है सारे के सारे जो इंटरव्यू में पूछे जाने हैं, वो फिक्स है, उसमें कोई बहुत बड़ा। हाँ थोड़े बहुत मैं मान सकता हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चन से आपके पर्सनल जो हॉबीज या इंटरेस्ट हैं उसके आधार पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट अमूमन क्वेश्चन वही है सारे के सारे। बस मसला है कि उन प्रश्नों में आपका ओरिजिनल कैरेक्टर कहाँ है। अब प्रश्न आपसे इसलिए थोड़ी कहा गया कि किसी और का कैरेक्टर वो आपसे जानना चाहते हैं, वो प्रश्न आपसे इसलिए हुआ कि उस पे आपका नजरिया, आपका ओपिनियन और आपका थॉट प्रोसेस वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्ट्रेस नहीं लेना, हर टेस्ट को एंजॉय करना है और अपना बेस्ट देना है। तो तुम्हारी USP यही रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैक्सिमम कुछ कुछ बच्चे जो थे वहाँ पे, यार उस वाले से इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने ये पूछा है, मैं तुरंत जा रहा हूँ साइबर कैफे पता करने इसका क्या क्या है। एक एक बच्चे लेक्चर 8 पढ़ रहे हैं, GT के टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, तो आकर के बोलते थे बच्चे की ये क्या कर रहे हो, इसके लिए बोल दो थोड़ा पहले तैयार कर लिए होते, इतना प्रेशर न झेलना पड़ता। तो वही मैंने बोला कि नहीं यार इतना नहीं लेना, चिल करना है बस और मस्ती करिए, और अगर रिजल्ट का फोकस नहीं है ज्यादा, केवल अपना बेस्ट है तो हो जाना है। मुझे लगता है अपना बेस्ट दे रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा होगा, उसमें डाउट ही नहीं है। ओके, गाइडेंस कितना मदद किया आपको हर्ष इन वन लाइन। बिल्कुल सर, गाइडेंस मैंने पिछली बार ही बोला था इंटरव्यू में कि गाइडेंस ले लो, गाइडेंस इज द बेस्ट वे मींस टू एक्सेल, बिकॉज इफ यू नो द सिस्टम यू आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर इन दैट सिस्टम, सो टेक द गाइडेंस, इट्स ऑल द वेरी बेस्ट। अभिजीत को बुला लीजिए। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम एक गाइडेंस के हिसाब से जाते हैं तो एक सपोर्ट फैक्टर तो हो ही जाता है कि किसी भी टेस्ट के जो एक्चुअल प्रारूप है वो हमें पता है, बट उसमें अपने पर्सनालिटी को कैसे हमको प्रेजेंट करना है अब ये भी हमें सर क्या है पता है, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। रिटर्न की क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही हर्ष? रिटर्न में मैं यही कहूंगा कि ऐसा आदित्य ने मेंशन किया कि पहले मैथ्स की OMR चेक होती है, क्लियर किया कट ऑफ तभी गेट में जाएंगे, गेट में जाएंगे। सो मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, सो टॉकिंग अबाउट मैथ्स, व्हेन यू सी अ पेपर और एनालाइज द पेपर यू गेट टू सी कि एक ही टॉपिक्स के पहले लगातार क्वेश्चन आते हैं, द पेपर इज नॉट मिक्सड अप, द कंटिन्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज मेंटेन, लाइक फॉर द प्रोबेबिलिटी 10 टू 15 क्वेश्चंस विल बी देयर, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ऐसे 12 टू 13 क्वेश्चंस विल बी देयर, सो द व्हाटएवर इज योर स्ट्रांग पॉइंट जस्ट गो एंड लुक फॉर दैट सेक्शन इन द पेपर एंड जस्ट सॉल्व एंड डू द बेस्ट इफ यू हैव डन द क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ये बड़ा सच है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं रिटन प्रिपरेशन को मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूं कि बच्चा आप UPSC बिल्कुल समझ लो कि एक लेवल है। वी विल आई रिमेंबर द टाइम कि हम लोग जब अपीयरिंग में थे एंड फर्स्ट टाइम वी वर अपीयरिंग फॉर द UPSC एग्जामिनेशन, एंड मतलब पहले एग्जाम में ये था कि समझ में आ गया था कि इधर हवा में कुछ होने वाला नहीं है, अंडलेस आपके पास अपना ग्राउंड नहीं है, क्योंकि फिर तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, फिर तो उसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं। UPSC का ऐसा पेपर खूबसूरत आता है कि सर सारे ऑप्शन ही सही लग रहे हैं मेरे को। हाँ अगर आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
उसका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक्चुअल गाइडेंस भी चाहिए। बहुत सारे क्या होती है कि जब मुझे भी याद है चाइल्डहुड में कई टॉपिक ऐसे थे जिसपे हमको पता था कि मेरे को समझ में नहीं आता था, बट हम दिखावा करते हैं कि हमें ये चीज समझ में आती है, असल में हमें समझ में नहीं आती। जिस दिन हमें ये नेचर खत्म हो जाएगा, दैट मीन हम दिखावा करना बंद कर दें, हम माने कि हाँ ये चीज हमें नहीं आती है और इस चीज को मुझे अब समझना है, क्योंकि अल्टीमेट आपको ही समझना है, किसी के और समझने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो लगिए, और गाइडेंस के रोल को इसीलिए मैं अहम कहता हूं क्योंकि जब तक उस लेवल के लोग आपको नहीं मिलेंगे, सही लोग नहीं मिलेंगे, सही तरीके से गाइडेंस नहीं होगा, इंडिविजुअल आप पे फोकस नहीं होगा, केयर नहीं होगा, तो वो डेवलपमेंट नहीं आएगा जो एग्जैक्टली चाहिए। तो बस यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार आ रहे हैं 148, वो आपको लगातार कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। yes. आप भी उन्हें गुड लक कहिए, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू फेस देयर SSB। 15 के बाद आप ज्वाइनिंग में जा रहे हैं, 15 के बाद वो SSB में जा रहे हैं। हाँ, शेड्यूल सब बिल्कुल सेट है, साइकिल कितनी अच्छी बन जाती है। तो दे आर गोइंग फॉर द SSB एंड विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम इन MKC। बिल्कुल आप आइए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना हम मेहनत कर सकते हैं रियल तरीके से करेंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। और जो रिटर्न के बच्चे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी भी समय है हमारे पास, ऑलमोस्ट 3 मंथ का टाइम है हमारे पास, 3 मंथ से ज्यादा का समय है, और 3 मंथ ही नहीं मैं सोचता क्योंकि 10 अप्रैल के बाद 4 सितंबर भी है। तो जितना ज्यादा इस समय लग जाए, मुझे लगता है उतना चीजें क्या हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। तो लास्ट में कुछ इनको भी गुड लक कह दें आप, आदित्य जो है अपनी तरफ से, जो बच्चे हमारे 148 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 1-to-1 सबसे मिलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो कुछ 2 लाइनें इनके लिए जरूर कह दें आप। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, अच्छे से प्रिपेयर करिए, गाइडेंस लीजिए और जितना हो सके उतना अपने ऊपर फोकस रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और तब पेपर अपीयर करिए, अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी लड़के लड़कियां दोनों जा रहे हैं, आप तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो आप पहले तो रिटर्न ओरिएंटेड देगा अच्छे से रहिए, और SSB का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, SSB इज जस्ट योर पर्सनालिटी टेस्ट, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, सो बी जेन्युइन एंड स्टे फोकस। और आप रिटर्न मॉक्स टेस्ट जरूर दीजिए, हम किसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल रहते थे जहां से मैंने दिया था, तो उसकी प्रैक्टिस करिए और अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और लाइवनेस अपने हमेशा बनाए रखिए। यू ऑल विल क्रैक, ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी गुड, थैंक यू। All to all of you, best of luck for your future endeavors, and for any of the issues regarding defense forces, kindly join Major Kalshi classes. One line exactly, yaar. Behrhal, ye serious bol rahe hain hum log, no serious nahi. Behrhal, it's up to you, bachcha. Agar aap tayar hain, to welcome, no issue. Aap apne taraf se jaake best dijiye, but koi kami aapko kahin lagti hai, to swagat hai aap sabka bachcha. On serious note, aaiye hum mehnat karenge aur cheezon ko behtar banayenge. Haan, but baaki logon ko thoda hum logon ne miss kiya yahan pe. Koi baat nahi. Sab academy pahunche jab pehla jo hai complete hoga semester, uske baad jab leave pe aayenge, to be do a proper get together. अभी बोले तो लगातार हम लोग जुड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट।